स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मेरा नाम है रोहित खेरा और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लीनियर एलजेब्रा की। ओके, लीनियर एलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे एक से दो क्वेश्चन आपको गेट में देखने को मिल ही जाएंगे। और काफ़ी टाइम कुल बचा है 1 मंथ के अप्रॉक्स देखा जाए तो। 1 मंथ में अगर आपको मैथमेटिक्स करना है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, क्रैश कोर्स समझ के आप इसको कर सकते हैं, काफ़ी इजी रहेगा। और मैं डेली इसके 3 से 4 वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपका मैथ्स जल्दी कवर हो जाए, क्योंकि 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो ये 15 मार्क्स बहुत होते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले अपने बारे बता दूँ, मेरा नाम रोहित खेरा है और मैंने बीई की है 2013 में इसी ब्रांच में। उसके अलावा AIEEE क्वालिफाई, गेट 2014-15 क्वालिफाई हूँ। उसके बाद UPSC एंड MPPSC मैथ्स दे चुका हूँ। फ़िलहाल मैथमेटिक्स की फैकल्टी हूँ और आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं रोहित खेरा 22 सर्च करके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की बात करेंगे जो कि काफ़ी इजी टॉपिक है और काफ़ी आता है एग्ज़ाम में, से एक क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में मिलता ही मिलता है। अब देखिए मैट्रिक्स होती क्या है, सबसे पहले बात की जाए मैट्रिक्स। देखिए कोई भी अगर रेक्टेंगुलर एरे हो, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे जिसमें क्या हो नंबर हो या फंक्शन हो, ठीक है, जिसमें क्या हो नंबर या फंक्शन हो, उसका सेट क्या कहलाता है, एरे जो कहलाता है हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसमें क्या होते हैं, कुछ रो होते हैं और कुछ कॉलम होते हैं, कुछ रो होते हैं और कुछ कॉलम होते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने रो बोला, रो है एन से शो करते हैं, कॉलम को एम से शो करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू शो करते हैं मैट्रिक्स को। अब जैसे ये पहला एलिमेंट है A11, फिर A12, फिर A13, इस टाइप से चलता जाएगा, तो कुल मिला के ये A1n, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, इस टाइप से शो करते हैं हम। उसके बाद A21, A31 इस टाइप से, और कहाँ तक, डैश डैश सेम यहाँ पे डैश डैश। लास्ट एलिमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, M(n), ठीक है। तो इसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा, M(1), ठीक है सेम। तो ये क्या है, एम क्रॉस एन की एक क्या है मैट्रिक्स है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप इसको आई और जे से भी शो करते हैं, आई जो है रो कहलाती है, ठीक है, जैसे इसमें आई जो है रो को शो कर रही है और जे जो है कॉलम को शो करता है, जे कॉलम को शो करता है, आई रो को शो करती है। तो मैंने लिखा A32, तो इसका मतलब क्या है, तीसरी रो है और दूसरा कॉलम है, ओके। चलिए अब मैट्रिक्स की बात करते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन सी हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि आपको पहले तो बेसिक पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मैट्रिक्स होती हैं। सबसे पहले रो मैट्रिक्स, फर्स्ट वन है रो मैट्रिक्स। अब नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो केवल रो हो, जैसे 5, 6, 7, 8 इस टाइप से एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसमें एक ही रो है, केवल एक रो है, ठीक है। सेम कॉलम मैट्रिक्स जिसमें क्या हो केवल कॉलम ही हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, ये बना दिया 1, 2, 3, 4, ये क्या है कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें एक ही कॉलम है लेकिन रो कितनी है, 4 है, ओके। तो इस टाइप से हम इसको शो करते हैं। थर्ड है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स से। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स से आपको नाम समझ आ रहा है, जिसमें नंबर ऑफ रो बराबर होती हैं उसके कॉलम के, नंबर ऑफ रो बराबर होंगी उसके कॉलम के, तो क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। अब जैसे मैंने बनाया ये 2x2 की, 2x2 की 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो ये क्या है, दो रो हैं दो कॉलम हैं। सेम मैंने तीन वाली बना दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसमें रो बराबर है किसके, कॉलम के बराबर है, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल कौन से, 1, 2, 3, अब मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं आपको 1, 2, 3, ये इसके क्या कहलाते हैं, डायगोनल कहलाते हैं, इसको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं और लीडिंग एलिमेंट भी कहते हैं, लीडिंग एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के, या इसको हम प्रिंसिपल एलिमेंट भी कहते हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट भी कहते हैं, डायगोनल्स को हम लीडिंग एलिमेंट, प्रिंसिपल एलिमेंट, ये सब कहते हैं। अब देखिए
याद रखिएगा सम ऑफ डायगोनल जो होता है, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का सम ऑफ डायगोनल उसके ट्रेस के बराबर होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 0 0 0 0 0, तो इसका जो सम है 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 6, ये कहलाएगा मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ट्रेस, ठीक है। तो याद रखिएगा सम ऑफ मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कहलाता है ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए, ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि ट्रेस क्या होगा तो आप बता सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स का क्या होगा, सम होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स अब देखिए चौथी नंबर की मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये क्या होती है, इसमें क्या होता है स्क्वायर एलिमेंट, स्क्वायर पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, इसमें क्या होंगे डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, तो वो कहलाती है मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे लिखा ए बी सी, बाकी इसके एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है मेरी स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे मैंने लिखा ए ए ए, इसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, तीनों एक जैसे हैं, तो सेम डायगोनल एलिमेंट होते हैं तो क्या होता है वो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, सेम डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है बाकी सबको छोड़ के क्या होते हैं, जीरो होते हैं डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में ये होगी स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारी 6-1 यूनिट मैट्रिक्स। अब देखिए नाम से ही समझ आ रहा है यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं केवल इसके डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो कैसे होंगे, यूनिट होंगे यानी वन होंगे, बाकी सब क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे लिखा 1 1 0 0, ठीक है। मैंने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कैसा है यूनिट मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए इसमें, जीरो होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है सेवन्थ नल मैट्रिक्स। अब नाम से ही समझ आ रहा है नल, नल का मतलब होता है एम्प्टी, खाली। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, वो क्या कहलाती है, नल मैट्रिक्स कहलाती है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। उसके बाद आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या होती है, ये इसमें अगर हम रो और कॉलम को चेंज कर दें, रो और कॉलम के एलिमेंट को चेंज कर दें तो वही मैट्रिक्स मिल जाती है, तो वो कहलाती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ए आई जे, मतलब कोई भी एलिमेंट है वो बराबर होगा जे आई के। मैंने लिखा 1 2 बराबर हो जाएगा इसके 2 1 के, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने मैट्रिक्स बनाई 1 2 3, मैट्रिक्स ए है ये, ठीक है, 2 4 5 3 5 6। अब देखिए ये एलिमेंट क्या है, ए 1 1 है, ठीक है, ये एलिमेंट क्या है, ए 2 1 है, ठीक है, ए 2 1 है। अब देखिए ये क्या है 1 2, अब मैं इसको चेंज करता हूँ मैं इसके कॉलम की वैल्यू को रो से, तो हो जाएगा 1 2 3, फिर 2 4 5, फिर 3 5 6। अब देखिए सेम है 1 2 3, 2 4 5, 3 5 6, तो कुल मिला के सेम आ रहा है ना। तो जब भी इस टाइप से अगर मैट्रिक्स बनती है ये कहलाती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए ये क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम ही होता है, नंबर ऑफ रो कॉलम होते हैं बट नेगेटिव आ जाता है, बस माइनस का साइन आ जाता है। अगर मैं रो और कॉलम को चेंज करूं मैट्रिक्स तो सेम रहेगी लेकिन उसका साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा 0 1 -2 -1 0 3
टू माइनस थ्री जीरो, ये मैट्रिक्स है मेरी ए। अब इसकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगी अगर मैं करूँगा तो, रो को किससे चेंज करना है, कॉलम से, तो हो जाएगा जीरो वन माइनस टू, फिर हो जाएगा माइनस वन जीरो थ्री, ये हो जाएगा टू माइनस थ्री जीरो। अब देखिए यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लेने पे जीरो वन माइनस टू माइनस वन जीरो थ्री टू थ्री माइनस थ्री जीरो। अब देखिए सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये मैट्रिक्स सेम है तो मैं कह सकता हूँ माइनस ऑफ ए है। तो कुल मिला के याद रखिएगा जब हम चेंज करते हैं मैट्रिक्स को तो कैसी आए, सेम आए लेकिन साइन कैसा है, अपोजिट है, तो वो कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारी, इसके बाद है मैट्रिक्स ट्रांसपोज। अब देखिए मैट्रिक्स ट्रांसपोज क्या होता है, अभी क्वेश्चन आ जाता है कि मैट्रिक्स ट्रांसपोज क्या होगा वो देख लेते हैं। ऐसे मैट्रिक्स ट्रांसपोज, अब देखिए इसको हम शो करते हैं ए ट्रांसपोज इस टाइप से, ए की पावर टी या ए डैश से या ए बार से, इस टाइप से। ठीक है, अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, इंटरचेंजिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, रो से चेंज कर दो किसको, कॉलम को, कॉलम की वैल्यू चेंज कर दो किससे, रो की, तो ये कहलाता है हमारा ट्रांसपोज। जैसे ए मैट्रिक्स दी है मुझे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, अब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज रो की वैल्यू कॉलम में, कॉलम की वैल्यू रो में, तो हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो ये इसका ट्रांसपोज है। क्लियर इतना, तो कुल मिला के अगर आपका ए इक्वल टू आता है ए ट्रांसपोज तो ये कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया रो और कॉलम चेंज करने पे वैल्यू कैसी आती है, सेम आती है। अगर ए आता है माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज तो वैल्यू कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगी। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर याद कीजिए अगर दो बार किसी का ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस हमें क्या मिल जाती है, ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक है, और अगर दो चीज़ का क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इनका इनटू कर रहे हैं देन उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो याद रखिएगा ये रिवर्स हो जाता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के, ये याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये हमने देख लिया, सेम कोई भी मैट्रिक्स हो एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा ये कभी कभी पूछ लेता है इस टाइप से, तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए है, ठीक है, तो याद रखिएगा वन बाय टू ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस वन बाय टू ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये इक्वल होता है किसके, स्क्वायर मैट्रिक्स के। ये जो वैल्यू है ए प्लस ए ट्रांसपोज ये होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो जाती है मेरी सिमेट्रिक, और ये वाली हो जाती है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बोला आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसकी वैल्यू है वन टू थ्री फोर, अब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फोर हो जाएगा। ठीक है, ओके वन टू थ्री फोर हो जाएगा। अब देखिए इसको मैंने अगर निकाला ए प्लस ए ट्रांसपोज और इसका क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, रो से रो जोड़ना है, कॉलम से कॉलम जोड़ना है, वन प्लस वन टू, टू का हाफ क्या होगा, वन हो जाएगा, टू प्लस थ्री फाइव, फाइव का हाफ फाइव बाई टू, थ्री प्लस टू फाइव बाई टू, फोर प्लस फोर एट, एट का हाफ फोर आ जाएगा। सेम ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से देख लेते हैं, ये हो जाएगा क्या, वन माइनस वन जीरो, फिर टू माइनस थ्री माइनस वन बाय टू, ये हो जाएगा प्लस वन बाई टू और ये जीरो। अब देखो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वन, इन दोनों को मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन प्लस वन, वन सॉरी वन प्लस जीरो वन आ जाएगा। सेम फाइव बाई टू माइनस वन बाई टू, एलसीएम है टू, फाइव में से बन गया फोर, फोर आ जाएगा, फोर बाय टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, फिर फाइव बाई टू प्लस ये हो गया सिक्स बाई टू, सिक्स बाई टू कितना होता है थ्री, फिर फोर प्लस जीरो कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। सेम मैट्रिक्स आ गई, ओरिजिनल स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कुल मिला के याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, इसके अलावा अभी तक तो इतना ही हम कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी देखेंगे इसके टाइप। ठीक है, तो
उसमें हम ट्राइंगुलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स हो गया, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखना, वो भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जल्दी क्लिक करें ताकि और भी ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आप क्रैश कोर्स कंप्लीट कर सकें मैथमेटिक्स का, जिससे आप 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है कि मैं आपके लिए वीडियो और अपलोड करूं तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आप कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो आप पेटीएम भी कर सकते हैं मुझे, 1 रुपये से लेके 100 रुपये तक। मेरा नंबर है 7049240399। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।